सी आप लोग, आज हम आपको बताने वाले हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पेटीएम का बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने पेटीएम अकाउंट के अंदर। तो हमने अब हमारा पेटीएम अकाउंट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस और हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करोगे पेटीएम बैलेंस लिखा हुआ आएगा ऊपर, और पेटीएम बैलेंस के नीचे पेटीएम वॉलेट आता है, उस पर दबाना हमें। जैसे ही पेटीएम वॉलेट पे दबाओगे आपके सामने शो हो रहा है ऐसे की ऐसे, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको रिक्वेस्ट स्टेटमेंट। तो उस पर दबाते ही हमारे पास सामने ऐसा इंटरफेस हो जाता है, हमसे पूछता है आपको 1 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, 2 का चाहिए, 6 का चाहिए या 1 ईयर का चाहिए। तो हमें चाहिए 3 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, तो हम 3 कन्फर्म कर देंगे और रजिस्टर ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट निकलेगा। तो हमारे पास हमारी नीचे ईमेल आईडी दिख रही है और कंफर्म कर देंगे आगे। जैसे ही आगे करेंगे हमारा स्टेटमेंट ईमेल आईडी पे डन हो चुका है, भेज दिया जा चुका है। तो हम अब ईमेल आईडी पे जाके चेक करेंगे, ऊपर देख सकते हो हमारे पास पेटीएम का मैसेज आ चुका है कि आपका स्टेटमेंट ईमेल पे भेज दिया गया है। जैसे ही हम ईमेल ओपन करेंगे हमारे पास हो गया है कि आपका स्टेटमेंट हमारे पास भेज दिया गया है। देखो हमारी स्क्रीन पे ऐसे कैसे हो रहा है। तो हम दो तरह से भेजा है इन्होंने, तो एक तो पीडीएफ में और एक वैसे फ़ोटो टाइप में। तो हम पीडीएफ का देखते हैं। जैसे ही खोलते हैं हमारा परमिशन अलाउ देके, जैसे ही हम हमारा खोलेंगे तो हमारे पास में देख सकते हो 3 महीने का स्टेटमेंट शो हो चुका है। हम आपको हमारा ये ब्लर इसलिए कर रखे हैं क्योंकि पॉलिसी प्राइवेट पॉलिसी के कारण हम आपको हमारा दिखा। तो आप भी अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का स्टेटमेंट आसानी से निकाल सकते हो जैसे वीडियो में बताया वैसे। और पेटीएम पेमेंट बैंक की पासबुक या चेकबुक तो होती नहीं है, और किसी भी साइट पे या ऐप के अंदर स्टेटमेंट लगा के अपनी प्रॉब्लम का सोल्व आसानी से कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।